हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से जो नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए, जिसके लिए एलिजिबल है बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग वाले बच्चे। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली बहुत सारे बच्चों का अलग अलग टाइप के कन्फ्यूजन्स रहते हैं, डाउट रहते हैं, और मैंने इस नोटिफिकेशंस वाले वीडियोस को ऑलरेडी बनाया है और आप सभी ने देखा। और उस वीडियोस में कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शंस में अपना कन्फ्यूजन्स वाले क्वेश्चंस को भी लिखा। तो मैंने सोचा एक बार और मैं इस नोटिफिकेशंस के बारे में वीडियोस को बनाता हूं, जिसमें आप सभी प्यारे बच्चों का, सभी का कमेंट को कंसीडर करते हुए हर एक छोटे से छोटे बातों को इस वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा आप सभी के साथ शेयर करने का। इस नोटिफिकेशंस के बारे में हर एक छोटी से छोटी जानकारी, सभी चीज के बारे में डिटेल में समझेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। अब इस वीडियोस को देखने के बाद क्या है एजुकेशनल फॉर्म फिलअप करने का इंपॉर्टेंट डेट, कितने हैं फॉर्म फिलअप करने के फी, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, सभी चीज के बारे में डिटेल में मैं बातें करने वाला हूं आज के इस वीडियोस में। तो इस वीडियोस को डिटेल में शुरू करने से पहले, अगर आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने के लिए आप सभी के लिए मेहनत करता हूं और इस वीडियोस को भी बनाने के लिए मैंने मेहनत किया है। एक एक लाइन को मैंने पढ़ा है इस नोटिफिकेशंस का। इस वजह से हर एक इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा पूरा लास्ट तक इस वीडियोस में मेरे साथ है। जैसा कि जानते हैं आप लोग, ये नोटिफिकेशंस रिलीज हुआ है 12 जून को, और इसके लिए एलिजिबल हैं अलग अलग बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस रखने वाले बच्चे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन से ब्रांच के लिए वैकेंसीज रिलीज हुए हैं, पहले एक नजर उसके ऊपर डालते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल लैब, मैनेजमेंट ट्रेनी ट्रेनिंग, यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग मटेरियल्स के लिए और एचआर के लिए, ये सभी पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज हुए हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया। इसके बाद क्या रहने वाला है पे स्केल, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपका सैलरी रहेगा 40,000। ये जो 40,000 है ये है बेसिक पे, बेसिक पे है। और आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ बेसिक पे नहीं मिलता है, उसमें आपका टीए जुटता है, उसमें आपका एचआरए जुटता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस जुटता है, और भी बहुत सारा अलाउंसेस जुटता है। और सब अलाउंसेस को जोड़ करके जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप के अकॉर्डिंगली मैं आप सभी को जानकारी दे देता हूं कि आपका सैलरी जो है अप्रोक्स में 80 से 81,000 या 80,000, हम लोग राउंड ऑफ करके रखते हैं, 80,000 पर मंथ का सैलरी बनता है आपका। लेकिन गवर्नमेंट जॉब है तो आपसे गवर्नमेंट टैक्स भी कट कर लेती है, तो टैक्स या और रिमेनिंग डिडक्शन करते हुए पीएफ वगैरह जो भी होता है, पूरा फाइनली डिडक्ट जो होता है वो 12,000 रुपया का डिडक्शन होता है। तो -12,000 कर देंगे अगर आप इसमें, तो आपका जो अकाउंट में इन हैंड सैलरी आएगा वो 68,000 जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो इतना के अप्रोक्स में सैलरी क्रेडिट होते हैं आजकल अभी के डेट में। तो आप लोग के लिए ये कह सकते हैं नो डाउट जॉब, सरकारी नौकरी में ये अच्छा है, सैलरी के मामले में भी और जॉब प्रोफाइल के मामले में भी। अगली वीडियो में मैं बात कर लूंगा अलग से कि क्या है प्रमोशन वगैरह सब के बारे में, लेकिन आज के इस वीडियो में चूंकि नोटिफिकेशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो प्रमोशन वगैरह के बारे में बात करूंगा तो फिर टॉपिक से हट जाएंगे हम लोग। तो आते हैं फिर पॉइंट पे। यहां पर तो कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज हुई थी आप लोग देख लिए, कौन कौन ब्रांच वाले एलिजिबल है, सैलरी ही आपको कितना मिलने वाला है, अप्रोक्स में 68,000 के लगभग में मिलने वाला है, तो समझ में आ गई। और मैक्सिमम बढ़ते बढ़ते 1,40,000 तक भी जा सकता है, और इसमें सोचिए कि आपका बहुत अच्छा चीजें हैं, प्रमोशन वगैरह भी है, और प्रमोशन होकर के आप जो है डायरेक्टर तक जा सकते हैं, डायरेक्टर तक के पोस्ट तक जा सकते हैं। देखिए टोटल वैकेंसी जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए जो रिलीज हुई है, या फिर यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए जो है 56 पोस्ट के लिए रिलीज हुई है, और मैकेनिकल के लिए 18 पोस्ट के लिए,
और इलेक्ट्रिकल के लिए 21 पोस्ट के लिए, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आप लोग देख सकते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन में 17, और यहाँ पर केमिकल लैब में 12, और अगर बात करूँ सिविल के लिए तो टोटल जो वैकेंसी है इसमें 3 वैकेंसी है, और फायर एंड सेफ्टी के लिए 5 वैकेंसीज है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5, और यहाँ पर मटेरियल्स के लिए 11 है, और मैनेजमेंट एचआर ट्रेनिंग के लिए जो है 16 टोटल वैकेंसीज रिलीज हुए हैं। अब हम लोग एक एक ब्रांच वाइज देखते हैं क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मूव करने, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में मूव करने से पहले आपको पेज एंड पर्क्स के बारे में दिया गया है कि कैसे जो है आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा 3-3% करके, वो सभी चीजें आपको बेसिक बेसिक सी बातें बताई गई है। तो वो तो चलिए ठीक है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, कंट्रीब्यूटरी सुपरमिशन, ये सब सब चीजों को मैंने बता दिया है, तो ये सब उतना पढ़ने का जरूरत अब आपको नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, ये ज्वाइनिंग करिएगा ना तो उस वक्त 4.5 लाख का बॉन्ड पे सिग्नेचर करवाता है, ताकि आप लोग 3 साल बिना कंप्लीट किए भागने जाइए नौकरी छोड़ करके। तो इसीलिए आपको बॉन्ड पे एग्रीमेंट करना होता है, 4.5 लाख का बॉन्ड होता है, आपको कम से कम 3 साल तक वहां पर जो है ना कंपनी में काम करना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर किसी को दूसरे कोई रीजन से कहीं दूसरा जॉब हो गया तो अगर छोड़ना ही है तो उसके लिए प्रोसेस होगा, उसको वो अलग से बातें हम लोग कर सकते हैं दूसरे वीडियोस में। फिलहाल आते हैं हम लोग यहाँ पर फिर से, अब देखते हैं एक एक करके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल के लिए क्या क्या वैकेंसीज है, क्या क्या बेसिकली डिटेल में नोटिफिकेशन देखते हैं। मिनिमम जो है ना एज लिमिट जो है 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल है। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग होना चाहिए, डिग्री बीई बीटेक होना चाहिए, बीएससी इंजीनियरिंग होना चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग किया हुआ होना चाहिए, केमिकल टेक्नोलॉजी है, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स है, और 50% मार्क्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है। और ये जो होना चाहिए यूजीसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, या फिर एएमआईई इन केमिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ये हो गया, समझ में आ गया। इसी तरह से मैकेनिकल का है, अच्छे से पढ़ लीजिए, आराम से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रिकल का देख लीजिए, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, तो आप सभी को थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को देखते ही थोड़ा सा अपनापन सा फील हो जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ मैं। फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, बीटेक बीई बीएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और 50% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स फॉर एआईसीटी से अप्रूव्ड होना चाहिए वो सभी कॉलेज से। ये है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए बेसिकली यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब प्यारे बच्चों यहीं पर मैं आप सभी को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर इंस्ट्रूमेंटेशन का देख रहे हैं नीचे वैकेंसी है तो इंस्ट्रूमेंटेशन है तो आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि दो इलेक्ट्रिकल में 21 वैकेंसी है और इंस्ट्रूमेंटेशन में शायद 19 वैकेंसी है, एक बार फिर से देखना होगा मुझे, शायद इतना वैकेंसीज है, तो वैकेंसीज ठीक ठाक है, और सब ब्रांच के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसी है इस दोनों ब्रांच में। तो अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन है और आप अगर फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं और चाहते हैं कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे से हमारे साथ है, तो जुड़ सकते हैं आप लोग हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए एसके ट्यूटोरियल ऐप को। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है क्योंकि कुछ बच्चे ने एडमिशन ले लिया है ऑनलाइन बैच में, तो मुझे क्लास टाइम पे स्टार्ट करना पड़ा, और मैं जो सिलेबस को कंप्लीट करने वाला हूँ 1.5 मंथ में, यानी कि 1.5 महीना में आपको पूरा कंप्लीट इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाने वाला हूँ। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पढ़ाने वाला हूँ, और पढ़ाऊंगा सारा चीज जो कि आपका एग्जामिनेशन के एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो सके, इस तरह से मैं कंटेंट को देने का पूरा अपना 100% देने जा रहा हूं। तो इस वजह से अगर आप लोग चाहते हैं पेड बैच में ज्वाइन होकर प्रिपरेशन करने के लिए, तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में भी दिया गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इसको देख सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पे लैब वाला केमिकल लैब के लिए क्या क्या वैकेंसी है। फुल टाइम रेगुलर एमएससी होना चाहिए इन केमिस्ट्री में, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, विथ मिनिमम 60% मार्क्स है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन है, देख लीजिएगा इसको आप लोग। सिविल के लिए वही है जो सेम टू सेम है, फायर सेफ्टी के लिए भी
आप लोग इसको देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फुल टाइम होना चाहिए, 60% 50% मार्क रेशियो है, जैसे कि सब जगह है सेम टू सेम एज इट इज है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप जो अपीयरिंग कैंडिडेट कैंडिडेट हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है। कहिएगा सर कैसे बोल रहे हैं आप, यहाँ तो क्लियरली लिखा नहीं है। लेकिन देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप तो देखिए आपका जो बेसिकली जो कट ऑफ डेट है ना, वो 31 मई 2024 से कंसीडर किया जाएगा। और अभी भी अगर आप अपियरिंग हैं तो रिजल्ट तो इस डेट में नहीं ना आएगा, अभी तो कर ही रहे हैं आप, तो बहुत दिन के बाद आएगा वैकेंसी का रिजल्ट। तो इसीलिए आप अपियरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हैं। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बीटेक बी और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, वो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब तो ऐसे डिटेल में दिया गया है, और बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का फी कितना है। तो सब पोस्ट के लिए, जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का फी है, 700 रुपया रखा गया है। तो 700 रुपया में ऑनलाइन में फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसका जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसको देख लेते हैं। ये तो फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस है। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है प्यारे बच्चों, दो स्टेजेज में होने वाला है इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है ना सिलेक्शन प्रोसेस है, तो यहाँ पर ये जो एग्जामिनेशन होगा ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, OMR सीट आपको दिए जाएंगे, और इस सीट में आपको गोला भर भर के, नहीं ऐसे ऐसे करके भरते हैं पूरा गोला को, 2 3 4 ऐसे करके रहता है, ऑप्शन A B C D, तो गोला भर भर के। तो OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, पहला बात। दूसरा बात क्या कि ये जो एग्जामिनेशन होंगे इसमें नो निगेटिव मार्क है, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जामिनेशन में, तो ये खुशखबरी है कि नहीं, निगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं है। मैंने इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा है, तो ये कहीं पर लिखा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पूरा बढ़िया से ट्रस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं इस एग्जामिनेशन में जो है कितना क्वेश्चन रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन रहेंगे ये 150 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 150 क्वेश्चन। टाइम कितना दिया जाएगा? 120 मिनट का टाइमिंग दिया जाएगा, और 120 मिनट का मतलब क्या, 2 आवर्स आपको टाइम दिए जाएंगे, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग 150 क्वेश्चन जो है वो कैसे कैसे बटा हुआ रहेगा। देखिए प्यारे बच्चों, दो पार्ट में बटा रहेगा, 100 क्वेश्चन प्लस 50 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो टेक्निकल के क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि आपका ब्रांच पेपर से क्वेश्चन जो रहेंगे वो टेक्निकल के, और 50 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपका नॉन टेक सेक्शन से, यानी कि नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर नॉन टेक्निकल में क्या आएगा, तो यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, जनरल इंग्लिश पूछेंगे हम, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज पूछेंगे हम। लेकिन और यहाँ पे देखिए देर इज नो निगेटिव मार्क भी लिखा हुआ है। ठीक है, रॉन्ग आंसर के लिए तो मैंने बताया था ना, मैंने पढ़ा है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल में, ये सभी टॉपिक से तो आएंगे, लेकिन 50 नंबर में आपका यहाँ पर मैथ भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है, आपका इंग्लिश भी आ रहा है, और जनरल नॉलेज यानी कि GK भी आ रहा है। तो कौन क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं, तो देखिए प्यारे बच्चों, मैथ में आपका 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रीजनिंग में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इंग्लिश में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, GK कह लीजिए, इसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह से आपको नॉन टेक्निकल को भी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए ध्यान दे करके। ठीक है, अगर आपका दूसरा कोई ब्रांच है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन करने के लिए, तो भी आप लोग हमारे पेड बैच में ज्वाइन होकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। अब आप जैसे ही OMR बेस्ड ये एग्जामिनेशंस को दे देंगे, OMR बेस्ड एग्जामिनेशंस आप दे दिए, ठीक है, तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। अगर आप कट ऑफ को क्रॉस कर जाइएगा तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो एक पोस्ट अगर खाली रहेगा ना, उसके लिए 5 आदमी को बुलाया जाता है इंटरव्यू लेने के लिए। अब 5 में से 1 को सिलेक्ट किया जाएगा फाइनल रूप से। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा और आपको इन्वाइट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए।
अब यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शंस में 80% जो वेटेज रहेगा वो आपका ओएमआर बेस्ड ऑफ एग्जाम जो देंगे, और 20% जो वेटेज रहेगा आपका पर्सनल इंटरव्यू जो होगा उस बेसिस पे, और तब फाइनल सिलेक्शंस होगा। तो इस तरह से सभी चीजें हैं, और इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ना, लगभग लगभग में हमको लगता है कि सभी स्टेट के कैपिटल में दे दिया है। जैसे बिहार का कैपिटल है पटना, पटना में सेंटर है, झारखंड का कैपिटल है रांची, तो रांची में सेंटर है, इसी तरह से अलग अलग जगह पे सेंटर्स पे बना दिया गया है सेंटर्स को। तो ये सभी थी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें। मुझे उम्मीद है आप अब आप लोग सभी कुछ समझ गए होंगे। इस पोस्ट के लिए सभी फ्रेशर्स लोग भी एलिजिबल हैं, कहीं पर भी जो है एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं था, कहीं पर भी एक्सपीरियंस लिखा हुआ नहीं था। यहाँ पर है आपका सारा इंपॉर्टेंट डेट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग इस फॉर्म के को फिलअप करना चाहते हैं तो। और हाँ, अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप लोग हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर पेड बैच में। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप सभी के सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करने से, ताकि मैं और इनर्जेटिक वे में आप सभी के लिए गुड कंटेंट अच्छे से मेहनत करके वीडियोस को बना सकूं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आप लोग किसी भी तरह का सजेशन देना चाहते हैं वीडियोस में कंटेंट इम्प्रूवमेंट से लेकर के, और किसी भी तरह का डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।